उत्तराखंड की भर्तियों में हो रहे घोटाले को लेकर युवा सड़कों पर हैं, वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही युवाओं को रोजगार देने की बात कर चुके हैं। वहीं बीजेपी की मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से भर्तियों में कांग्रेस राजनीति कर रही है वह सही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि जल्द से जल्द भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हर के दिन में से भर्तियां कराई जाएंगी और किसी भी युवा के साथ धोखा नहीं दिया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पार्टी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ किसी प्रकार से कोई अन्याय न हो, इस दिशा में वो अनेकों निर्णय युवाओं के हितों के लिए उन्होंने लिए हैं अभी तक। और साथ ही उन्होंने जो भर्तियां अभी UK SSC में पेंडिंग हैं उन भर्तियों के लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से जल्दी उन पर जो कार्रवाई हो और उस भर्तियाँ शुरू हों, इसके लिए लोकसभा आयोग को उन्होंने कहा है।